दीपावली का त्योहार अभी अभी गुजरा है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, लेकिन बाजारों में रौनकें थमी नहीं है क्योंकि इस बार का बाजार गुलजार है। और आपको बता दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार करीबन 1.5 लाख करोड़ की बिक्री हुई है, यानी मार्केट में एक बार फिर से रौनकें वापस आ गई हैं और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बाजार चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी बाजार, हर जगह गुलजार देखी जा रही है। तो हम भी निकल आए हैं उद्योग नगरी कही जाने वाली कानपुर शहर में, जहाँ जानेंगे व्यापारियों से कैसी रही इस बार की दिवाली और सहाला का भी समय है, किस तरीके का आगे भी माहौल और बाजार रह सकता है। लगभग 2 साल तक कोरोना के डर के साए में गुजारने के बाद इस बार दिवाली में लोगों का जो त्यौहार था, पिछले समय से कई समय से लॉकडाउन लगा था, कोरोना था, इस वजह से व्यापार पूरी तरह था। इस बार पिछले व्यापार के मुकाबले इस बार के व्यापार से त्यौहार में पैसा देखिए, व्यापार ये बड़े त्यौहार हैं और हिंदुस्तान का हर आदमी इसको मानता है और परिवार के में बच्चे घर सब एक ये विशेष मौका होता है कि जिस दिन उसकी साज सफाई रंगाई पुताई सब हो जाती है और ऐसे ऐसे इसमें मौके भी आते हैं कि घर के लिए सामान भी बन जाता है और इसको बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं और ये भैया दूज पे आके ख़त्म होता है और आगे भी छठ का त्यौहार और त्यौहार विभिन्न जातियों के होते हैं और भारतवर्ष में सब लोग मिल के मनाते हैं, इस वजह से इस त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफ़ी अच्छी फलों की बिक्री रही और फलों के जो रेट थे वो नॉर्मल थे और अब तो कोरोना से ही फल और सब्जी विशेष रूप से ये हर घर की चाहत में ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि पहले आदमी जरूरत होती तो सब्जी तो लेता ही है पर अब हर घर में फल भी बहुत इमरजेंसी है, मतलब लेना ज़रूरी हो गया। देखा जा रहा है सब्जियों पर बड़ी महंगाई आ गई है, सब्जियाँ बड़ी महंगी हैं। असल में सब्जियाँ इस समय मौसम की मार घेलती हैं और ये कुछ सीजन ऐसा है और अभी फिर सब्जी का एक सस्ता टाइम भी आता है कि गोभी 2 रुपये फूल भी बिकती है, आलू 10 रुपये भी बिकता है, शिमला मिर्च 20 रुपये भी बिकती है, तो ये कोई बहुत बड़ी महंगाई नहीं है। ये कोई 500 रुपये किलो मीट के दाम पे नहीं बिक रही है, 70 रुपये 80 रुपये बहुत ज़्यादा 100 रुपये, इससे ज़्यादा सब्जी नहीं है। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर जगह सब्जी और फल मौसम के हिसाब से मिलते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं आप महंगी सब्जी खाइए। अगर 2 सालों में जो स्थिति रही वो तो बहुत ही दयनीय रही, ये साल उससे बेहतर गया। हाँ, कस्टमर की एंट्री अब की ज़्यादा हुई है और पहले से अच्छी ग्रोथ की दुकानदारी हुई। अगर देखा जाए तो दुकानदारी में बढ़ोतरी हुई है, महंगाई के बावजूद बढ़ोतरी देखी गई है। जी, बढ़ोतरी हुई है। ये सर आपकी ऐसा रहा कि दीपावली की धनतेरस बढ़िया चली है, कोविड-19 का कोई भी इतना असर नहीं रहा, दुकानदारी सभी लोगों की बढ़िया हुई है और उसके दूसरे दिन थोड़ी मध्यम रही है, तीसरे दिनों मध्यम रही क्यों, त्यौहार का व्रत होता है तो आदमी पूजा पाठ का सामान ज़्यादा खरीदता है, बाकी त्यौहार बढ़िया रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है और आराम से पब्लिक ने परचेज करा है और आराम से भीड़ भाड़ मार्केट में रही है, बढ़िया तरीके से दुकानदारी रही है, किसी भी व्यापारी को किसी भी कस्टमर को कोई भी दिक्कतें नहीं सामना करनी पड़ी। नहीं, महंगाई का तो सर थोड़ा सा बहुत असर रहा है, मगर महंगाई का उस तरीके से कोई कस्टमर ने ऐसा महसूस नहीं किया कि महंगाई है तो दुकानदार के पास भीड़ कम रही हो, सब लोगों ने खुल के परचेजिंग करी है, खुल के त्यौहार मनाया है, अदरवाइज कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बस ये है कि रिटेल का उतना नहीं रहा लेकिन होलसेल में तो सही रहा, क्योंकि लोगों ने खूब सपोर्ट किया, बढ़िया काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या माने कि पिछले कोरोना में और इस कोरोना एकदम से दुकानदारी बहुत अच्छा लमसम जो कितना मतलब कितना व्यापार कितने परसेंट व्यापार बढ़ा है? वही माने 30-35% 40% तो बढ़ा ही है। आगे क्या उम्मीद है? आगे और अच्छे की उम्मीद है। पिछले कोरोना काल में जो हम लोग को उम्मीदें थी कि शायद बिजनेस कम हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से ठीक है, जो हमारी सोच थी उसमें तकरीबन हम लोग खड़े उतरे हैं, तकरीबन ठीक है। मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, लॉकडाउन रहा? अरे वो तो सबको मालूम है कि लॉकडाउन है और रेटों का है, सप्लाई का है, सब चीज़ों में फ़र्क रहा। तो इस बार की दीपावली किस तरह मनाएंगे आपकी? ठीक है
पिछला जितना सोच थी कि थोड़ा डाउन होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान ने कृपा करी है, सब ठीक हुआ। लगभग कितनी गाड़ियाँ दिखी हैं हमारे पर्सनल शोरूम की बात हम कर रहे हैं अगर, तो हमने धनतेरस से लेकर दीपावली तक लगभग 120-130 के आसपास गाड़ी बेची। पिछले कोरोना से तो ये बिजनेस बहुत अच्छा गया है और सभी व्यापार चला है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो गारमेंट से संबंधित हो, किसी भी व्यापार में कोई कमी नहीं हुई। इस साल बहुत अच्छा ग्राहक रहा, बहुत अच्छा व्यापार रहा। कोरोना काल में बड़ी बिजनेस कुछ कम था, अब की मतलब क्या उससे 20 बैठा है बिजनेस? 21 बैठा है, 21 बैठा पिछले कोरोना काल के बाद 21 बैठा है। पूरी तरह, हाँ पूरी तरह की संतुष्ट है, कोई व्यापार में कमी नहीं है। आगे क्या उम्मीद है? आगे अगर कोरोना नहीं आया तो तीसरा, अगर लॉकडाउन नहीं आया तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा। और अभी बहुत अच्छा ग्राहक है, मार्केट में बहुत अच्छा कस्टमर है, फ्लो बहुत अच्छा है, हर व्यापार में इस समय ग्राहक है। और कर्मचारी वगैरह हैं, उस समय दिक्कत थी आपको? हाँ उस समय बहुत दिक्कतें थी, तनख्वाहें देने में, पैसा देने में बहुत दिक्कतें, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जो कोरोना के बाद जो ये काल दिवाली के बाद जो दिवाली से काम स्टार्ट हुआ है, नवरात्र से काम भरपूर है। कपड़े का कितने कितना व्यापार हो चुका होगा अंदाजन? एक अंदाजा है पूरे शहर का तो बता नहीं सकते, कई 100 करोड़ का हो चुका होगा और बहुत अच्छा व्यापार गया, सब आदमी संतुष्ट है इस साल। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली पर इस बार जबरदस्त खरीदारी हुई है। इस मौके पर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसने खरीदारी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी पर औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले कानपुर शहर के व्यापारियों से संवाददाता सौम्या मिश्रा ने खास बातचीत की और जाना कैसी रही इस बार की दीपावली। समय दिवाली में मतलब कोरोना की वजह से वैसे तो लग रहा था कि मतलब फीका जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मतलब काफ़ी कस्टमर आए और अच्छी खासी दुकानदारी भी हुई है। और अब जैसे सहालक का समय चल रहा है, शादी ब्याह का समय चल रहा है, तो मतलब कस्टमर लगातार आ रहे हैं। मतलब पहले की अपेक्षा, मतलब जैसे कि पहले पर साल हुआ था उस तरीके से अब की मतलब काफ़ी अच्छा रहा है रिस्पांस। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी तरीके की आगे भी बाजार रह सकती है? हाँ हाँ, इसी तरीके से आगे भी रह सकती है, क्योंकि अब कस्टमर जो है अब चला हुआ इधर, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी सब सहालक रहेंगी, शादियाँ हैं, तो मतलब कोई ऐसा फ़र्क विशेष नहीं पड़ रहा है। दुकान मार्केट सब सही चल रहा है, बाजार भी ठीक चल रहा है। भारतीय व्यापार परिसंघ ने दावा किया है कि इस साल दिवाली पर चीन को करीबन 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। CAIT का कहना है कि उसने पिछले साल चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया था। हमने व्यापारियों से बात करी और जाना कि किस तरीके का इस बार दिवाली के बाद बाजार रहा, किस तरीके की उनकी बिक्री हुई है, तो व्यापारियों के भी चेहरे खिले नजर आए और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से दीपावली ने एक बार फिर से उनके रौनकें वापस कर दी है बाजारों में, इसी तरीके से अब आगे चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना काल कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और लोग दोनों हाथों से खरीदारी जो 2 साल से थमे बैठे हुए थे वो की है। तो हम भी बाजारों में निकल कर हमने भी जाना कि इस बार बाजार वाकई में दीपावली के बाद गुलजार है और हम भी यही उम्मीद जताते हैं कि इसी तरीके की पॉजिटिविटी बाजारों में दिखती रहे। कैमरा पर्सन नीरू मिश्रा के साथ सौम्या मिश्रा, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।